कभी यार कभी पार जागत। नए नए कपड़े बनवाए थे, सोचा था कि शादी में पहनूंगी, अब क्या कचहरी में पहन के जाऊंगी। दो मुझे यहाँ मैजिस्ट्रेट को दिखाने के लिए। कभी से क्या बड़बड़ कर रही हो, ये काम करो तुम। बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं। अरे मेरी शादी के बाद ये पहला मौका था बन संवर कर घूमने का, जेठानी बनकर इतराने का। नहीं अरे जीजा, कुछ खाने को देना। लो आ गया तुम्हारा देवर, उसे भूख लगी है, कुछ दो उसको खाने को। उसे कह दो मेरी अलमारी में कुछ गहने पड़े हैं, जाके वो खा ले। हमारे घर में खाने में गहने कब से मिलने लगे? जब से शादियां कचहरी में होने लगी। ओ, तो इस बात का गुस्सा है? अरे गुस्सा क्यों ना करूं गुस्सा, ऐसा था मेरे देवर की शादी है, उसके लिए मैं नया जोड़ा बनवाया था, नए गहने बनवाए थे, सब वेस्ट। कुछ वेस्ट नहीं होगा, घबराओ मत, तुम्हें ये सब पहन के इतराने के बहुत से मौके मिलेंगे। अरे मैं तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अरे मैंने सारे अड़ोस पड़ोस वालों को बुला लिया था, पता है तुम्हें? हाँ पता है ना, सबको बुलाया था, अब सबको मना करो। सबको मना करो कहना कितना आसान है। अरे यहाँ तक कि मैंने पड़ोस के ड्राइवर को भी कह दिया था, उसे कहा था कि उसकी फैमिली को गांव से बुला ले तुम्हारी शादी के लिए। कर लो मनमानी अपनी कर लो, यहाँ घर वालों को कोई पूछता नहीं है और बाहर वालों के परिवार को इधर बुलाते हैं। तुम चुप रहो, तुम ही गए थे माँ जी के पास, मैंने कहा था तुमसे अगर मेरे पास आते तो आज तुम्हारी फैमिली भी यहाँ होती। सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको कह दो कि फैमिली इसको ना बुलाए। अरे फैमिली इसे ना बुलाए, सबको टिकट भिजवा दिए मैंने। कर लो बात, लो सुन लीजिए। कोई बात नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब सब आएंगे ना, मैं उन सब के लिए एक खास दावत रखूंगा। खास दावत रखूंगा? तुम्हारे भैया उनको कौन मनाएगा, तुम्हें तो पता है कि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ पता है, भैया को मैं बता भी चुका। को तुम बता चुके? हाँ चलो ये मान लेते कि वो शायद मान भी जाएंगे, लेकिन मम्मी जी उनको कौन मनाएगा? चलो देखो ये सब तो हो गया, डेकोरेटर उसको फोन कर दिया, केटर तो घर की है, रोज वाटर पेंसिल। रोज वाटर नहीं, जैस्मिन वाटर कहो, पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ वही जैस्मिन वाटर, जो भी था सब कैंसिल है, कैंसिल 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 सब कैंसिल। क्या हुआ किशोर? क्या होगा, अब होना ही क्या है? तुम्हें बुरा लग रहा है? इसमें अच्छा लगने की तो कोई बात है ही नहीं। पापा कम से कम मेरी शादी तो हो रही है ना। हाँ हाँ, अब तो इसी बात से तसल्ली देनी होगी ना कि जो दूसरों के साथ नहीं हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। पापा मैं वैसा नहीं कह रही हूँ। तो वैसे ही है, मालविका की शादी कैंसिल हो गई पर तेरी तो हो रही है ना। ये बात और है कि इस ठाट बाट से हम करना चाह रहे थे वो सब अब नहीं होगा। देखो किशोर वैसे भी वो सब हमारी फिलोसॉफी में नहीं बैठता था। हाँ पापा, और अगर अभिषेक के घर वालों ने जोर नहीं डाला होता तो हम तो रजिस्टर मैरिज करने वाले थे।